शाम 5 बजे का वक्त था जब पीएम मोदी मीटिंग के लिए अशोका होटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के नेता हाथों में गुलदस्ता लेकर खड़े थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानी सामी ने पीएम की अगवानी की। मीटिंग में जब मोदी पहुंचे तो 2 मिनट तक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। मोदी सहयोगी दलों के नेताओं से मिले और इस दौरान चिराग पासवान ने जब उनके पैर छुए तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। इससे पहले मीटिंग में एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण कुमार के साथ शामिल होने पहुंचे। आरएलजेडी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के नंबर 2 माधव आनंद को लेकर मीटिंग में पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने नवादा के सांसद चंदन कुमार को लेकर मीटिंग में शामिल हुए। मांझी, कुशवाहा और पासवान के दोनों कैंप को साधकर बीजेपी बिहार में 6% कुशवाहा वोटर, 6% पासवान वोटर और 4% मांझी वोटरों को पक्का कर आगे बढ़ रही है। यूपी में भी बीजेपी ने पूर्वांचल का किला सेट कर लिया है। मीटिंग में अपना दल की अनुप्रिया पटेल पहुंची, तो निषाद पार्टी के संजय निषाद, ताज़ा एनडीए में वापसी करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी मीटिंग का हिस्सा बने। निषाद और अनुप्रिया तो पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। राजभर के आने से बीजेपी को उन इलाकों में फायदा होने की उम्मीद है जहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीटें मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 जुलाई को लखनऊ में माननीय अमित शाह जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को अलायंस में ले आइए, कि राजभर जी से बात करके उनको साथ ले आइए और साथ मिलकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 के सीओ सीट जीतें। अब राजभर के साथ आने से बीजेपी को पूर्वी यूपी में फायदा मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र का किला तो बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को साथ लेकर साध ही लिया है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के छोटे दलों को बुलाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है।